वेलकम बैक टू सिमा ज्ञान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद हो कि खैरियत से होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं क्या क्या लेके आई हूँ आज। तो आज मैं बहुत सिंपल चीज़ आपको सिखाने वाली हूँ। आज मैं सिखाऊंगी आपको एंकलेट बनाना सिखाऊंगी आज मैं। तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है एंकलेट बनाने के लिए, तो चलिए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या ले रखा है, हमने ले रखी है ये चेन ऐसी, ठीक है। और उसके बाद हमने ले रखे हैं ये हुक्स, और उसके बाद ले रखे हैं हमने ये जंप रिंग्स, और ये हमारी है हेड पिन्स, ठीक है। तो और ये हमारे हैं प्लायर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाना। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमें चाहिए, हम मेजरमेंट कर लेंगे कि हमें कितनी बड़ी हमारी एंकलेट बनानी है। तो हम अपनी एंकलेट का साइज ले लेंगे, ठीक है। ये मैंने ले लिया अपनी एंकलेट का साइज, तो इतना साइज है। तो अब हमें क्या करना है, हमें लेनी है कुछ मोतियाँ जिनका हम इसमें लगाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी मोती ली है। तो फिलहाल हमने ये वाली मोती ली है क्योंकि ये बहुत शाइनिंग कर रही थी, तो मैंने इसलिए ये वाली ले ली। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जंप रिंग लेंगे, इसको हम यहाँ टक करेंगे, आमिन इसमें डालेंगे और फिर हम इसको इसमें डालेंगे, ठीक है। ये हमने ऐसे कर लिया। अब उसके बाद हम दूसरी साइड भी जंप रिंग लगाएंगे, ये हमने सेट कर लिया अपना ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम एंकलेट में घुंघरू भी लगाएंगे। ये रहे हमारे पास हमारे घुंघरू, तो इनको हम इसमें लगाने वाले ये यहाँ पे, और यहाँ पे, ऐसे करके, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम इसे लेंगे और इसके अंदर डालेंगे और इसको कर देंगे कट जितनी हमें ज़रूरत है। तो हमने इसे कर लिया है कट, ये देखिए, ठीक है। अब इसको हमेशा की तरह ऐसे बंद करेंगे, लेकिन हमें पूरा बंद नहीं करना। अब हम देखते हैं कि हमारे चेन के अंदर ये फंसता है कि नहीं, वरना हम इसे जंप रिंग से लगाएंगे। पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, अब जंप रिंग की हेल्प से लगाएंगे। ऐसे हम चार पांच पीसेस तैयार कर लेंगे। तो ये हमने कर लिए तैयार, देखिए ऐसे। तो अब हम इन्हें इसमें अटैच करने वाले हैं जंप रिंग की हेल्प से। मैं पहले चेन की सेंटर से स्टार्ट करूंगी ताकि कुछ भी आगे पीछे ना हो, ठीक है। ऐसे करके इसे अटैच करते हैं, ठीक है। तो हम दूसरे भी देखेंगे, ठीक
आप अपनी मर्जी से कितना भी गैप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं अपनी मर्जी से उतना ही गैप रख रही हूँ, कुछ जंप रिंग्स है इसमें जाती नहीं है क्योंकि चेन के जो नोब्स हैं वो बहुत पतले हैं, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं और इसे लगा सकते हैं। तो इस पूरे को ऐसे हम एक लाइन में अटैच करते जाएंगे इस तरीके से। ये हमने सारी मोतियों को कर दिया अटैच। तो आप देख सकते हैं हमारी एंकलेट हो गई है तैयार। तो इसे हम बंद करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी एंकलेट हो गई थी। तो ऐसे ही आप भी इन मोतियों की जगह सीपियों का इस्तेमाल करके एंकलेट बना सकते हैं, या फिर छोटे छोटे चार्म्स आते हैं स्टार के, चांद के, उनका भी यूज़ करके आप एंकलेट तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी एंकलेट है, तो इसे आप देखिए और इसी से मिलते जुलते और भी डिज़ाइन तैयार कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए डिज़ाइन के साथ।